क्या कर रहे हैं? और जो जवानी धूप में हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और मेरे वीडियो को शेयर कर देना। फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन था, इसलिए कल उतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाए थे। मेरे हस्बैंड नहीं बनाए थे, चीके देना था तो वही ब्लॉग बनाए थे कल का। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बुखार लग गया था। कल से आज कुछ ठीक है, नहा धोए, दवाई खाए, वही मिजाज मेरा फ्रेश लग रहा है, तो कल से कुछ बेहतर है मेरा तबीयत, तो इसीलिए आज सोचे कि ब्लॉग बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है और अपने हस्बैंड को खाना दे दिए, खाना खा लिए, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो चलिए आपको दिखाते हैं खाना में क्या बना था। ये हम आ गए किचन में, किचन का लाइट ऑन कर देते हैं। बेसन का सब्जी है और इसमें है चावल। अभी हम जा रहे हैं खाना खा। तो अभी हम फ्रेंड्स खाना खा लिए, तो खाना खा लिए तो सोच रहे कुछ काम कर ले। वैसे भी दादाजी नहीं हैं, गए हैं बुआ के घर। दादाजी और मेरे देवर जी गए हैं बुआ के घर, तो अभी शाम से आएंगे। आज ज़्यादा काम नहीं था, खाना भी कम बनाना था, तो खाना पीना तो हो गया, अब कुछ काम कर लिया जाए। तो अभी हमको लगाना है साड़ी में फॉल्स, तो अभी जा रहे हैं साड़ी में फॉल्स लगाना। ये है साड़ी, दो साड़ी है, इसमें फॉल्स लगाना है। ये फॉल्स मतलब एक तरफ मशीन से सिया गया है, दूसरा तरफ फ्रेम करना है। फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं फॉल्स, साड़ी में फॉल्स लगाने का घरेलू उपाय। तो ये देखिए, हम नीचे रख लिए हैं प्लेट, ऊपर से ये साड़ी रख लिए हैं। अब इसमें फॉल्स लगाएंगे तो इधर उधर घंसकेगा नहीं और एकदम अच्छा से फॉल्स लगेगा आपका। अभी देखिए लगा रहे हैं। क्या क्या सामान लेकर आए हैं। ये सत्तू है, ये हम लोगों के लिए मिठाई लेकर आए हैं। देखिए कौन मिठाई है, ये छेना वाला मिठाई है, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें है लहसुन है,
और ये है पताई, कुटिया बनाने वाला पताई, दही शाम को बनेगा। और इसमें चना है, इतना सामान लेकर आए हैं। दादाजी लेकर आए थे पत्ता वाला, तो उसका भी हम बना रहे हैं कुटिया। ये देखिए, इसको इसको अच्छा से मतलब धोकर फिर इसका छोटा छोटा चीर दिए। और ये जो है इसको, ये दाल है इसमें और थोड़ा सा चावल है। दादाजी फोन कर दिए थे पहले ही लेकर आने वाले हैं, तो दाल चावल फूलने के लिए डाल दो, डाल दिए थे इसको फूलने के लिए। तो अभी इसको मिक्सर में पीसना है, इसको पीस देते हैं मिक्सर में, उसके बाद इसमें डालकर फेंकना है। कुछ मसाला भी डालना है, तो ये लहसुन है, हरा मिर्चा है, इसको डाल देंगे। और ये है गुलमरीच है, और ये जीरा है, इसको भी डाल देंगे। और हल्दी डाल देंगे, अब इसको पीस देना है। ये पिसा गया है, अब इसको इसमें डाल देंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ डालना है, ये है खटाई आमचूरन पाउडर। इसको नहीं डालेंगे तो मुंह में आपका खुजली होने लगेगा, तो इसको ज़रूर डालिएगा बनाते समय। अब इसको अच्छा से पूरा मिक्स कर देना है। ये देखिए, इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें नमक डालेंगे। जो ये है इसको प्लास्टिक में पैक कर उबालना है, तो इस प्लास्टिक में डालिए, प्लास्टिक को धो देंगे। ये प्लास्टिक है, इसको इसमें डालेंगे प्लास्टिक में। इसको अच्छा से पैक कर दें ताकि अंदर पानी ना जाए उबालते समय। ऐसे ही सब में डाल देंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल कर ले जा रहे हैं अपने हस्बैंड को खिलाएंगे। उनको ये वाला अच्छा नहीं लगता है, तो बोले कि पहले थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद अच्छा लगेगा तो खाएंगे। तो जा रहे हैं उनको टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, नहीं तो उनके लिए दूसरा खाना बनाना पड़ेगा। आइए, तो कैसा बना है? देखिए, रोने लगी, खाने भी नहीं दी। मसाला कम है, मुँह में खुजली नहीं हो रहा है, मुंह में खुजली नहीं ना हो रहा है खाने पर? अभी जो खाने के बाद पता चलेगा, खा कर बताइएगा। चलिए, इतना खा लिए, नहीं तो इनके लिए दूसरा खाना बनाना पड़ता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। तो नए ब्लॉग के साथ, एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।